लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव के पुल गिरने को लेकर ट्वीट पर पलटवार किया है। कहा कि ये ट्वीट खेलना बंद करें तेजस्वी यादव। मंत्री ने पूछा कि वे जब सरकार में थे तब क्या कर रहे थे। एनडीए की सरकार बिहार में है और लगातार एक्टिव मोड में काम हो रहे हैं। जो पुल गिरे हैं उस पर सरकार की नजर है, इसके लिए लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं और संवेदक और अभियंताओं पर नकेल कसी जारी है। जरूरत पड़ने पर दोबारा नया पुल का निर्माण भी कराया जाए। देखिए, बिहार में लगातार पुलों का गिरना जो है वो शुरू है। लगातार एक दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी अब हमलावर हो गए हैं पुल गिरने को लेकर। देखिए, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उस समय जब पुल गिर रहा था तो इन लोगों का बोलते ही बंद हो गया था। आज अगर पुल गिर रहा है तो ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट पहले कहाँ किया करते थे। पुल जो गिर रहा है तो सरकार उस पर पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। जिस जो भी दोषी होगा या संवेदक दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, अधिकारी दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ेगा तो रिकवरी भी किया जाएगा संवेदक से, फ्रेश नया पुल बनवाया जाएगा उस संवेदक से। सरकार और विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। जहाँ जो गड़बड़ी हुई है जाँच करके कार्रवाई करें। कह रहे हैं कि अधिकारियों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। ये देखिए, अफवाह फैलाना उनका अपना है। जिस समय सरकार में थे उस समय काहे अफवाह फैला रहे थे। मुख्यमंत्री जी तो वही हैं, पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं। काहे अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाना बंद करें। जनता रिजेक्ट कर दी है और अफवाह फैलाएंगे, जनता आगे और रिजेक्ट कर देगी। काफ़ी बदलाव है। विभाग हाईटेक के तरीके से काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है हर घर शुद्ध का नल जल पहुँचाएँ। उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। हम 6 महीने के अंदर सारा गड़बड़ी को दुरुस्त करते हुए शुद्ध नल का जल आम जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री नीरज बबलू भी प्रेस वार्ता भी किया और कह रहे हैं कि हम 6 महीने के अंदर जो भी त्रुटियां हैं विभाग में, जो चीज़ है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उन सभी चीज़ों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत ठीक कर देंगे। फिलहाल पटना से सागर कुमार की रिपोर्ट।